नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 23 जुलाई 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे। तो सबसे पहले जानते हैं आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। सूर्योदय होगा 5:37 पर, सूर्यास्त होगा 7:17 शाम को। तिथि है चतुर्दशी, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, वार शुक्रवार, चंद्र राशि धनु, अभिजीत मुहूर्त 12:00 से 12:55 PM यानी दोपहर तक, राहु काल है 10:45 AM से लेकर 12:27 PM तक। तो राहु काल में सावधानी, शुभ समय में शुभ काम। और ये जो जानकारी है, ये जो पंचांग की जानकारी है, संक्षिप्त पंचांग, ये आपके देश आपके प्रदेश की वजह से कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इसको जांच लें। और महिला पुरुष बच्चे जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो अपनी नाम राशि या चंद्र राशि से देख सकते हैं। आज जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो बहुत बहुत बधाई। अब हम शुरू करते हैं राशिफल को। और राशिफल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा, ये जानकारी आपके बहुत काम की है। आपके सामने स्क्रीन पर एक चीज दिखाई पड़ रही है जिसमें 3 रुद्राक्ष लगे हुए हैं। ये रुद्राक्ष नेपाली ओरिजिनल रुद्राक्ष हैं, जिनको धागे में बहुत ही खूबसूरती से प्राण प्रतिष्ठित करके पिरोया जाएगा और कुछ ऐसे ये दिखाई पड़ेंगे। ये रुद्राक्ष जो हैं, इसमें शिव, पार्वती, लक्ष्मी और नारायण, इनकी कृपा है, इनकी इनका आशीर्वाद है। सावन के महीने में नेपाली ओरिजिनल रुद्राक्ष पहनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये शिव, पार्वती, लक्ष्मी, नारायण कृपा कवच आपको जीवन की हर धन दौलत दे सकता है, हर खुशी दे सकता है। अब इसके नीचे एक आपको ब्रेसलेट दिखाई पड़ रहा है जो हाथ में पहनने वाला है, इसमें स्फटिक के ओरिजिनल दाने और रुद्राक्ष लगा हुआ है। इसको हम कहते हैं महामृत्युंजय कवच। जीवन में सुख है तो दुख भी है, तो शिव, पार्वती, लक्ष्मी, नारायण कवच आपको सुख दे रहा था, तो ये महामृत्युंजय कवच आपके जीवन में जो भी दुख है उनको समाप्त कर देगा। ये दुख इंसान से मिलने वाले हो, ग्रहों से मिलने वाले हो, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, शत्रु हो, नजर दोष हो, या ऐसे जादू टोना हो, ऐसे बहुत सारे दोष हैं जो हमें परेशान करते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो हमें परेशान करते हैं, उनसे ये महामृत्युंजय कवच आपको बचा लेगा। और महाकाल का विशेष आशीर्वाद है इसके अंदर, यानी कि आपको यमराज से डरने की जरूरत नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यमराज को हम कहते हैं काल, यानी काल से डरने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा तो शिव आपको स्वयं शिवलोक लेकर जाएंगे, ये भी सत्य है, जीवन और मृत्यु तो होना ही है। तो जीवित रहते हुए ये शिव, पार्वती, लक्ष्मी, नारायण कवच आपको स्वर्ग जैसा सुख देगा, और मृत्यु के बाद ये महामृत्युंजय कवच और शिव, पार्वती, लक्ष्मी, नारायण कवच आपको शिवलोक में स्थान देगा। तीसरी चीज आपको दिखाई पड़ रही है, ये है लघु रुद्राभिषेक किट। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप सावन के महीने में शिव जी को अर्पण करेंगे, उससे शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और ये चीजें बहुत ज्यादा विशेष हैं, अधिकतर लोग इन विषयों को, इन चीजों के बारे में, इन विषयों के बारे में जानकारी कम रखते हैं, लेकिन हम आपको वो चीजें दे रहे हैं जिससे शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तीनों चीजों का अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको S31 लिखकर भेजना है, स्क्रीन पर लिख के आ रहा है S31। तो ये तीनों चीजें आपको बहुत जल्दी आपके घर भेज दी जाएंगी, ₹3,530 इसकी कीमत है तीनों चीजों की। अगर कोई दो चीजें लेना चाहता है, जैसे कि महामृत्युंजय कवच और रुद्राभिषेक किट, और या फिर लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती कवच और उसके साथ रुद्राभिषेक किट, तो इसके लिए आपको S30 लिखकर व्हाट्सएप करना है और इसकी कीमत होगी ₹2,200। ये सारी चीजें ओरिजिनल हैं, नेपाली रुद्राक्ष हैं, और ये सारी चीजें सावन के महीने में पहनने पर आप शिव की विशेष कृपा पा सकते हैं, और पार्वती जी का आशीर्वाद भी पा सकते हैं, और नारायण के प्रिय हो सकते हैं सारी जिंदगी। तो ऑर्डर करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, S31 या S30 लिखकर व्हाट्सएप करें। अब हम बात करेंगे आपके राशिफल की। आज का दिन विद्या प्राप्ति के लिए बढ़िया है, सिंह राशि वाले सभी जातक जातिकाओं के लिए, यानी
हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, हर काम में सफलता पाने का दिन है। नौकरी करने वाले लोग अपना काम पूर्ण आत्मविश्वास से कर पाएंगे, आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, आपके मन में खुशी और प्रसन्नता का भाव रहेगा। किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में आप जा सकते हैं, लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। व्यापारिक वर्ग को आज उन्नति मिलेगी, प्रगति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, खेल कूद से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी बहसबाजी हो सकती है अपने सहकर्मियों से, बॉस से या किसी अन्य से, तो इससे आपकी छवि बिगड़ेगी और आपके काम पर भी असर पड़ेगा, तो बहसबाजी से बचना है। विवादों को टालने की कोशिश करनी है। विवाहित है तो जीवन साथी की सलाह जरूर लें, बात का पतंगड़ ना बनाएं, बातों का पहाड़ ना बनाएं, छोटी मोटी बातों को बड़ा बताकर वक्त अपना और दूसरों का खराब ना करें। अपनी जुबान पर खाने पीने की चीजों का ज्यादा नियंत्रण रखें, ज्यादा मसालेदार चटपटी चीजें, तली भुनी चीजें बिल्कुल ना खाएं। अपरिचित लोगों के सामने अपने राज ना खोलें। सफलता देरी से मिले या जल्दी मिले, क्रोध नहीं करना है, धैर्य करना है, संयम रखना है। आपके पिता की बात का आपको बुरा नहीं मानना है, आपके बड़े, आपके माता जी आपको डांट सकते हैं, आपकी कुछ कमियां निकाल सकते हैं, तो आपको बुरा नहीं मानना है। करियर में छोटे मोटे बदलाव किए जा सकते हैं। खर्चों के बोझ को कम करने के लिए आपको अच्छा मैनेजमेंट करना होगा। प्रेम संबंधों में है तो आप आज जो कोई टेंशन होती है दो लोगों के बीच में, उसको सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ लटके हुए मामले, कुछ अटके हुए मामले जो कि प्रेम संबंध से जुड़े होंगे, उन पर भी आज नजर डालिए और उनको निपटाने की कोशिश करिए। गुरु का ज्ञान काम आएगा, माता पिता की सीख काम आएगी। तुलसी का काढ़ा पीने से सेहत भी अच्छी रहेगी, गला भी दुरुस्त रहेगा और थोड़ा आप एनर्जेटिक मजबूत खुद को महसूस करेंगे। दिमाग में जो परेशानियों ने घर कर लिया है उसे सोच सोच कर अपने दिमाग को खराब ना करें, बल्कि परेशानियों को निकालने का रास्ता ढूंढें। अच्छा और सात्विक भोजन के साथ साथ अच्छे विचार रखें। बातों को बहुत बड़ा चौड़ा करना करें। वक्त को खराब और बढ़िया दोनों बनाना आपके हाथ में होगा सिंह राशि वालों के। आप लोग राजा हैं, राजा जैसी जिंदगी है, आदेश देना पसंद करते हैं, आदेश सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो आज थोड़ा सुनने के बारे में भी ध्यान दीजिएगा। जो कोई कुछ कह रहा है उसको सुनिए। और झूठे प्रशंसकों से, झूठी तारीफ करने वाले लोगों से, चापलूसी करने वाले लोगों से और दिखावे की दुनिया और शोबाजी की जिंदगी से थोड़ा सा दूर रहिएगा। आज आप जो हैं वो बनकर अपने साथी से प्रेम करिएगा, अपने काम से प्रेम करिएगा, अपने जीवन से प्रेम करिएगा, अपने बच्चों से प्रेम करिएगा। आज आपके ऊपर अगर कोई नकल यानी कि कोई मुखौटा चढ़ा हुआ है तो उसको उतारिए और असलियत में आप क्या हैं उसको पहचानिए और काम करिए तो बहुत बेहतर रहेगा। और आप अगर ऐसा करेंगे तो सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये जो आपको S31 यानी शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण कवच और महामृत्युंजय कवच और साथ में रुद्राभिषेक किट दी जा रही है सावन के महीने में पहनने के लिए भी और शिव जी को चढ़ाकर खुश करने के लिए भी, ये अगर आपके पास है तो आप कहते हैं ना कि मुझे VIP बनना है, मुझे समाज में कुछ नया करना है, तो ऐसा समझ लीजिए शिव आपको VIP बना देंगे। क्योंकि जिनके गले में या जिनके हाथ में या जिनके बाजुओं में या जिनके सर पर रुद्राक्ष होता है वो शिव के अति प्रिय होते हैं। शिव उनको कष्टों में देख ही नहीं सकते और शिव उनकी रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। तो आप S30 या S31 लिखकर व्हाट्सएप करें। पूरे सेट की कीमत है 3,530 रुपये और कुछ कोई एक सामान लेने की कीमत है 2,200 रुपये। बाकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। हरिओम, नमस्कार।